दोस्तों मोस्टली ये होता है कि हम अपनी इंटरनेट की स्पीड से जो होते हैं वो खुश नहीं होते। बेशक हमारी वाईफाई हो या हमारा कोई केबल की वायर इंटरनेट हो, हम उसमें डिसअपॉइंटेड ही होते हैं कि जो स्पीड हमने बाय की है उस हिसाब से हमें स्पीड जो है वो नहीं मिल रही। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंटरनेट की जो कंपनीज हैं वो क्या आपको स्पीड देती हैं, वो क्या बताती हैं, और आपको क्या इलम होना चाहिए इंटरनेट की स्पीड के बारे में, जिसके बाद आप इस चीज़ में कंफर्म हो जाएंगे कि कौन सा पैकेज लेना चाहिए, कौन सा इंटरनेट हमारे पास इस टाइम चल रहा है और कौन सा इंटरनेट जो है वो ओरिजिनली स्पीड हमारे पास आ रही है। हेलो गाइस, मैं हूं अदनान, आप देख रहे हैं टेक्निकल सारी यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया में। सब्सक्राइब करें टेक्निकल सारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात करें आपके इंटरनेट की स्पीड की, जो आपकी कंपनीज हैं वो आपको कौन सी स्पीड जो है वो प्रोवाइड करती हैं, तो बहुत सारी इंटरनेट की ऐसी कंपनीज हैं, वो चाहे इंडिया हो जाए, पाकिस्तान हो जाए। सो फ्रेंड्स, ये जो कंपनीज होती हैं ये हमको स्पीड देती हैं MBPS में, यानी कि मेगा बाइट पर सेकेंड के हिसाब से। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, वो है बी, यानी कि छोटा बी MBPS में आपको मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करें कि कोई सा भी सॉफ्टवेयर जिससे आप अपनी इंटरनेट की स्पीड को फाइंड करते हैं, सर्च करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे आपके पास जो स्पीड आपको विजिबल होती है वो होती है मेगाबाइट्स पर सेकंड के हिसाब से। यानी कि यहाँ पे आपको जो बी है वो बिग मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो आपको बी मिल रहा है वो बाइट्स का मिल रहा है, यानी कि बिग बी मिल रहा है आपको। सो फ्रेंड, यहाँ पे इन दोनों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कोई 16 Mbps की स्पीड का नेटवर्क लेते हैं तो आपको 2.5 Mbps जो है वही आपको मिलेगा, तो इस चीज़ से आप हमेशा डिसअपॉइंटेड ही रहते हैं। तो आए फ़र्क को समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने स्पीड टेस्ट इंटरनेट की एक वेबसाइट ओपन कर ली है, जहाँ पे हम ये जानेंगे कि हमारी इंटरनेट की स्पीड इस टाइम में कितनी आ रही है। ये वो वेबसाइट है जहाँ से आप अपने इंटरनेट की स्पीड को चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं बिगिन टेस्ट पे, और जैसे ही हमने क्लिक किया टेस्ट शुरू हो जाएगा। हम ये जानेंगे कि हमको क्या डाउनलोड और क्या अपलोड स्पीड मिल रही है, और उसके बाद हम जानेंगे कि इसका क्या रिलेशन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डाउनलोड्स हमको मिल रहा है वो 10, 11, 12, 18, 19 तक हमारे पास जा रहा है। 19, 18, 19। अब यहाँ पे हमारे पास मिल रहा है 19.53, और आगे आप देखें MBPS हमको मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखें, नोटिस करें, ये छोटा बी है, और ये जो सीन है वो है मेगाबिट पर सेकेंड, जो कि इंटरनेट कंपनीज आपको बताती हैं। अब अपलोडिंग जो है वो देखिए चल रही है, ये करीब करीब 4 के रिलेटेड इसका रिजल्ट आएगा। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं 4.35 MBPS है, और ये आप देख सकते हैं कि ये भी MBPS है, यानी कि छोटा बी हमारे पास आ रहा है, और छोटे बी का मतलब होता है मेगाबिट पर सेकंड। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मुझे 19.53 के रिलेटेड मुझे डाउनलोड की स्पीड मिल रही थी, और जो अपलोड की स्पीड थी वो मिल रही थी 4.35 MBPS, यानी कि दोनों स्पीड जो थी वो मुझे स्मॉल बी में मिल रही थी, जो कि मेगा बाइट पर सेकेंड, जिसको मेगा बाइट पर सेकेंड कहते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करें, आपका जो सिस्टम है वो चाहे IDM का हो जाता है, वो नापता है बाइट पर सेकेंड के हिसाब से। दोस्तों यहाँ पे एक चीज को आप समझिए कि 1 MB में 8 MB होती हैं, और अगर आप प्लान लेते हैं 20 MBPS का, तो यहाँ पे 20 को 8 के साथ तकसीम कर दिया जाता है, तो रिजल्ट हमारे पास आता है 2.5 MBPS, यानी कि 8 को 20 के साथ तकसीम कर दिया जाए तो हमारे पास 2.5 MBPS जो है वो बचता है। अब यहाँ पे फ्रेंड जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि जो 20 MBPS था वो 8 के साथ तकसीम तो हो गया, लेकिन आपको जो स्पीड है वो 2.5 MBPS जो है वो कम नहीं है, वो उतनी ही है जितनी आपने पैकेज बाय किया, यानी कि 20 MBPS का। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप इमेजिन करें कि आपके पास एक प्लान है 8 MBPS का, तो यहाँ पे आपको 7 से 8 के करीब में स्पीड मिल जानी चाहिए अगर आपका आइडियल केस है तो, और आप जब डाउनलोड करते हैं तो आपको 800 से 900 के करीब जो है वो डाउनलोड स्पीड मिल जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम डाउनलोडिंग अगर चेकआउट करें तो 1 GB की मूवी आपके पास है तो 1000 सेकेंड आपको रिक्वायर्ड होगा एक मूवी डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पे आप ये ना सोचें कि 8 MBPS का अगर आपके पास प्लान है तो 125 सेकंड्स में आपकी जो 1 GB की मूवी है वो कंप्लीट हो जाएगी, वो उतना टाइम ही रिक्वायर्ड करेंगे जितना टाइम मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, यानी कि 1000 सेकंड्स में आपकी 1 GB मूवी कंप्लीट होगी अगर 8 MBPS का आपका प्लान है। सो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो कंपनीज आपको इंटरनेट जो है प्रोवाइड करती हैं वो मेगाबिट्स में करती हैं, और जो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर होता है वो जो आपको दिखाता है वो मेगाबाइट्स में बताता है या किलोबाइट्स में आपको स्पीड वेरीफाई करवाता है। सो फ्रेंड, इस चीज़ में आपने कभी भी कन्फ्यूज नहीं होना, मायूस नहीं होना कि जो मुझे स्पीड मिल रही है वो उस चीज़ में नहीं है जिस चीज़ में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या मैं सोच रहा हूँ।
ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया, इसको अच्छे से समझें और उस हिसाब से आप अपनी नेक्स्ट लाइफ में इंटरनेट की स्पीड को मेंटेन करें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल की ऊपर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपके लिए डेली बेस के ऊपर अपलोड होती हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।